देखो टा क्लास एट्थ साइंस चैप्टर नाइन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स सबसे पहले तो समझो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस करना इन एनिमल्स में, जानवरों में। आपने देखा गाय है, गाय के फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये एक तरह से दोबारा गायें पैदा हुई है। तो गाय को बच्चा हुआ, इंसान ह्यूमन बीइंग इंसान के भी जो बच्चे हुए, तो ये जो बच्चे हैं और ये जो प्रोसेस है जिससे ऐसा होता है उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूस ऑफ रिप्रोड्यूस द यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस द यंग वंस, यंग वंस। तो अपने बच्चों को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप है मेनली, दो उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि एक गुलाब का पौधा आपने देखा हुआ, गुलाब, तो गुलाब के पौधे की अगर आप डंडी काट के उसको मिट्टी में दबा दो तो उसके ऊपर वो पौधा अपने आप बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट यानी अब देखो दूसरा पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल इज इन्वॉल्व। तो एक मेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और एक फीमेल पेरेंट्स। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जो मेल पेरेंट्स है, मेल पेरेंट, वो एक सेल प्रोड्यूस करेगा, सेल, इसे रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। और ऐसी जो फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट, वो भी एक सेल प्रोड्यूस करेंगी, सेल, तो ये भी रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल, क्लियर है। तो ये जो दोनों सेल है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज का मतलब है कि कंबाइंड, एक साथ मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर और ये दोनों एक नई सेल जनरेट करेंगे, न्यू सेल। और यही न्यू सेल बाद में और सेल बनाएगी, ये न्यू सेल बाद में और बहुत सारी सेल बनाएगी, क्लस्टर्स ऑफ सेल, और इन्हीं सेल से आप ऑर्गेनिज्म, नया जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वो फॉर्म होगा। यही वो बेबी है जो पैदा होता है, किससे बना, एक सिंगल सेल से।
ये सिंगल सेल किससे बनी? दो सेल से। दो सेल में से एक कौन सी सेल है? एक है मेल रिप्रोडक्टिव सेल और दूसरी कौन सी है? दूसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल मेल पेरेंट्स से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल पेरेंट्स से। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन जिसमें ये सारा प्रोसीजर नहीं होता, एक ही सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होगा, उसमें सेल्स वगैरह की ऐसे बनती ही नहीं है। जैसे गुलाब के पौधे में कटिंग लगा दी हमने, और बहुत सारे मेथड हैं, आपने पीछे प्लांट में पढ़े होंगे, दोबारा करा लेंगे। तो हम एनिमल्स के अंदर कौन सा होगा? एनिमल के अंदर ये वाला रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में, एनिमल्स। तो हम इसे पढ़ेंगे, हमारे इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, वन इज मेल अदर इज फीमेल। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सर, अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तो पढ़ा कि मेल और फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट्स। तो ये मेल गैमेट्स ही मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल को मेल गैमेट कहते हैं। तो ये बनता कहाँ पे है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके? इन ह्यूमेंस। ह्यूमन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इन ह्यूमेंस। तो ह्यूमेंस में देखना बेटा, मैं डायग्राम बनवा रहा हूं, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें टेस्टीज कहते हैं, टेस्टीज। ये पेयर होती है, यानी दो टेस्टीज होती हैं। ये आउटसाइड दी बॉडी, प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी से बाहर होंगी, प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी, ये बॉडी से बाहर होंगी। क्यों बॉडी से बाहर होंगी? क्योंकि दे नीड हाई टेम्परेचर पे ये काम करती हैं, दे नीड टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे अलग टेम्परेचर इन्हें चाहिए काम करने के लिए। ये करती क्या है? दे फॉर्म द मेल गैमेट्स, इनके अंदर मेल गैमेट बनते हैं, एक तरह से दे आर दी फैक्ट्रीज, दे फॉर्म दी मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट बनाते हैं, इनके अंदर मेल गैमेट बनते हैं। मेल, इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन लिखवा रहा हूं, फंक्शन प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। मेल हार्मोन्स का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा लड़कों में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती है, उनकी आवाज भारी हो जाती है। तो जो भी मेल कैरेक्टर्स हैं, मेल कैरेक्टर्स, वो मेल हार्मोन्स, एक तरह के केमिकल्स होते हैं मेल हार्मोन्स, इन्हीं केमिकल्स की वजह से ये कैरेक्टर्स मेल के अंदर दिखाई देंगे। तो अगर किसी बाय चांस किसी वजह से मेल हार्मोन जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो मेल कैरेक्टर्स वो है वो दिखाई नहीं देंगे, या हार्मोन कम जनरेट हो रहे हैं तो वो कम दिखाई देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं 20, 21, 22, 23 उम्र हो जाते हैं, लेकिन दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं, ठीक है? तो वो हार्मोन्स में डिफरेंस की वजह से होता है। कहाँ बनते हैं ये हार्मोन्स? टेस्टिस के अंदर। दूसरा काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट का क्या काम है? गैमेट का काम है फर्टिलाइजेशन का, जिससे जो है न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन सके। तो ये टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस से दो पाइप्स जुड़े हुए हैं एक तरह से,
यहां पे ये क्या देखना, ये ऐसे, ये एक तरह से एक ब्लैडर है, ब्लैडर जैसे बलून है, ब्लैडर। इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है। आपकी बॉडी में किडनी यूरिन बनाती है और यूरिन इसके अंदर स्टोर होता रहता है यहां पे, और ये फूलता रहता है, एक्सपेंड होता रहेगा, एक्सपेंड होता रहेगा। तो लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लिमिट तक एक्सपेंड हो जाएगा, फिर ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, ब्रेन आपको बताएगा कि भाई ये बहुत एक्सपेंड हो गया, बहुत सारा यूरिन आपकी बॉडी में बन गया, तो अब आप जाओ और यूरिन को पास आउट करके आओ। तो यूरिन पास आउट होगा तो उसके लिए यहां पे ये पाइप है, और इस पाइप के दोनों तरफ ये मसल्स हैं, ये मसल्स इस रास्ते को दबा के रखती हैं यहां से, ताकि यूरिन ऐसे ही बनता रहे और पास आउट ना होता रहे। तो जब आप यूरिन पास करने जाते तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाते, तो यूरिन यहां से निकलता और ये पास आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। और बॉडी से बाहर पास आउट होने के लिए भी यहाँ पे ये ऑर्गन है, इसको पेनिस बोलते हैं, ये पेनिस। तो ये ह्यूमन, मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पेनिस हो गया। ये जो दो हैं, इनके भी कनेक्शन जो है वो आपके बुक में शो नहीं किए हुए, लेकिन ये भी ऐसे घूम के इसके पीछे से, और ये दोनों ये इससे ही कनेक्ट होते हैं, इसी पाइप से ऐसे, इसके भी ये भी ऐसे करके और इस पाइप से कनेक्ट होगा। तो यहाँ से ये कनेक्शन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें क्या क्या चीजें आ गई हैं, एक टेस्टिस आ गई है, एक ये स्पर्म डक्ट, इन पाइप को बोलते हैं स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, डक्ट मतलब पाइपलाइंस। तो ये दो स्पर्म डक्ट हैं, दो टेस्टिस है, एक पेनिस है, और ये ब्लैडर है। ब्लैडर को, यूरिन ब्लैडर को हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको काउंट नहीं करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ही चीजों को काउंट किया जाता है, एक टेस्टिस, टेस्टिस के बाद दूसरे नंबर पे स्पर्म डक्ट, ये पाइप, और थर्ड नंबर पे पेनिस। क्लियर है? तो यहां पे ये जो स्पर्म बनता है, ये ह्यूमन स्पर्म, तो ह्यूमन ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का नाम है स्पर्म, तो इसको हम ह्यूमन स्पर्म लिख देते हैं, स्पर्म। तो ये जो स्पर्म है ये कैसा है, तो स्पर्म कुछ इस तरह का है, इसमें ये हेड होता है, एक हेड, हेड के नीचे ये इसकी बॉडी होगी, और बॉडी के बाद ये इसकी एक टेल होती है, ये टेल है। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इसमें तो जैसे हमने बड़ा दिखा दिया, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी शेप ऐसी है ये स्पर्म की। तो ऊपर हम इसे कहेंगे हेड, ये मिडल पीस, बीच वाला हिस्सा, मिडल पीस, और लास्ट वाले इसको कहते हैं टेल। तो इसमें भी ह्यूमन स्पर्म में भी तीन चीजें हो गई हैं, हेड, मिडल पीस और टेल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोनों डायग्राम तुम्हें याद क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है, ह्यूमन मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं ये याद करना है, स्पर्म का डायग्राम याद करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, और उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद इसके फंक्शन याद करने, किसके, टेस्टिस के फंक्शन याद करने हैं। क्लियर है? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका 8th क्लास का कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है बेटा, ये देखना ध्यान से। तो ये कुछ इस तरह से है, ये देखना, तो ये जो है ना यहाँ पे, ये जो मैंने बनाई है, ये इसमें फीमेल सेल होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस थी ना, देखो ये भी वैसी हैं, ये भी वैसी हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है ये, इनका नाम है ओवरी, ओवरी एक, और ये भी ओवरी है दो, जैसे वहां पे दो टेस्टिस थी, यहाँ पे दो ओवरी है,
और ओवरी के अंदर ये क्या है, ओवरी के अंदर है फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ओवरी के अंदर, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, बाय बर्थ। मेल के अंदर तो वो बनते हैं गैमेट, लेकिन ये बाय बर्थ होती हैं फीमेल के अंदर, जब पैदा होते हैं तभी होते हैं, लाखों में होते हैं सेल्स दोनों तरफ आइदर साइड। और फिर ये ओविडक्ट इसको कनेक्ट करता है यहां से, ये पाइपलाइन है, जैसे वहां पे पाइपलाइन थी स्पर्म डक्ट, तो ये ओविडक्ट, ओविडक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को ओवम बोलते हैं, ओवम, और इसीलिए इसका नाम हो गया ओविडक्ट। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल को स्पर्म बोलते थे तो वहां नाम था स्पर्म डक्ट, तो ये ओविडक्ट है दोनों तरफ, ये भी ओविडक्ट हो गया। इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाला, तो इस पोर्शन को बोलते हैं यूटेरस, यूटेरस। तो ये क्या हो जाएगा, यूटेरस हो जाएगा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, इसे ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, नमस्ते, इसे क्या बोलेंगे, और इसका दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब, पाइपलाइन एक तरह से, फेलोपियन पाइपलाइन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसका डायग्राम बना लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसमें जो ओवम है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को सिंपल लैंग्वेज में एग बोला जाता है, और इसको ओवा, एक अकेले सिंगल एग को ओवा बोला जाता है, ओवा, क्लियर है, ओवम उसी से बना है। इसका डायग्राम कैसा है, ये एक एग, एग अंडे की तरह से होता है, ये भी बहुत छोटा, लेकिन स्पर्म के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। अगर हम इसको स्पर्म के कंपैरिजन में देखें तो स्पर्म इसके सामने कुछ इस तरह का ही है, ये इतना सा स्पर्म है ये, तो ये ओवा एग, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, बीच वाले को हम कहेंगे न्यूक्लियस, ये बाकी पूरी सेल है एक तरह से, जैसे अंडा, मुर्गी का अंडा है तो वो भी एक सेल है, वो बिल्कुल यही है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है उसके कंपैरिजन में, और ये स्पर्म, स्पर्म के कंपैरिजन में ये काफी बड़ा है, क्लियर है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, मेल और फीमेल ऑर्गन पढ़े, इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनको पढ़ा, उनके डायग्राम पढ़े। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, इसके बाद टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ये जैसे स्पर्म है, ये स्पर्म और ये ओवा है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये इसके अंदर पेंट्रेट कर जाता है, जैसे सुई अंदर घुस गया तो इसके अंदर पेंट्रेट अंदर घुस जाता है और ये दोनों सेलें मिक्स हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं, और फ्यूजन के इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, एग एंड स्पर्म, एग, एग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये सब आपस में जब फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। देखना, ये एग था और ये स्पर्म था, स्पर्म इसके अंदर पेंट्रेट हो गया, इसके अंदर आ गया स्पर्म, ठीक है, अब ये एक सेल हो गया है, तो अब ये सिंगल न्यूक्लियस आफ्टर फ्यूजन, ड्यूरिंग, ध्यान से देखना, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियस, ये इसके न्यूक्लियस में घुस जाएगा, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेगा, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, और इसकी वजह से फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा ये, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, एंड दिस फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट, एंड दिस फर्टिलाइज्ड
एग इज कॉल्ड, इस फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। तो व्हाट इज जाइगोट, ये जाइगोट है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बना, फर्टिलाइज्ड एग ही जाइगोट है। तो ये पूरा जाइगोट के डेफिनेशन में ये पूरा लिखना है आपको, इसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन वो दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, जब फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड मतलब इंटरनल, ध्यान रखना। और दूसरे में व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड, आउटसाइड को एक्सटर्नल बोलते हैं, तुम्हें अच्छी तरह मीनिंग पता ही है, आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल, इनसाइड मतलब इंटरनल। तो इनसाइड जब बॉडी के अंदर होगा, आउटसाइड जब बॉडी के बाहर होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो,